अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं द प्लैनेट्स जो हमारे प्लानट्स से अलग अलग उनके बारे में प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट प्लैनेट्स के पास उनकी अपनी हीट या लाइट नहीं होती हैं एज दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल एंड गैसेस क्योंकि वो किससे बने होते हैं सॉलिड मटेरियल और गैसेस से बने होते हैं दे रिफ्लेक्ट द लाइट रिसीव फ्रॉम द सन वो उनकी वही लाइट दिखाई देती है जो सन के थ्रू उन पर रिफ्लेक्ट होती है ठीक है सन की जो लाइट उनके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है वही हमें उनकी अपनी लाइट नहीं होती है

जुपीटर सेटन यूरनस एंड नेपट्टून आर नोन एज द आउटर प्लानट और इनको बाकी जो जितने बचे हुए उनको आउटर प्लान माना जाता है ठीक है द प्लैनेट्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन जो प्लानट होते हैं ना उनका एक अपना ही गति होती है अपनी स्पीड होती है हैंस दे आर कॉल्ड प्लानट विच इज ग्रीक मीन्स वेंडरर इसीलिए जो प्लानट का मीन होता है अगर ग्रीक में हम उसका मतलब समझें तो उसका मतलब क्या होता है वेंटरर और वेंडरर का मतलब है जो हमेशा घूमता रहता है जो कभी भी एक जगह नहीं रुकता है ऑल द प्लानट आर नियर फैफ्रिकल इन शेप बट दे आर ऑफ डिफरेंट साइज हमको जो अगर हम बात करें तो वो जो है सेफ्रिकल साइज में हमें दिखाई देते हैं बट उन सब की साइज जो होती है वो अलग अलग होती है जुपीटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट तो जुपीटर है ना वो सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है ये वाला जो जुपीटर आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में ये सबसे बिग प्लैनेट है एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट और जो मरकरी है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सन के बिल्कुल पास में क्योंकि इसको पास में इसलिए बताया गया इन चार प्लैनेट को यू क्योंकि ये सन के पास में इसलिए इनको इनर प्लैनेट बताया गया और जो बाकी बचे हुए उनको आउटर प्लैनेट बताया गया जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ठीक है तो मरकरी क्या है सबसे स्मॉलेस्ट है और जुपिटर सबसे बिगेस्ट है देयर कॉम्पोजिशन आर ऑल्सो डिफरेंट और इनका कॉम्पोजिशन जो है वो भी काफी डिफरेंट है मरकरी वीनस अर्थ एंड मार्स आर रॉकी इन नेचर जो मरकरी वीनस अर्थ और मार्स जो है इनका पथरीला सा जो है उनका कॉम्पोजिशन पथरी पथरीला है रॉकी है आ, नेचर बट जुपीटर सैटन यूरनस एंड नेपट्ट्यून आर गैसियस एंड लिक्विड और जो बाकी बचे हुए प्लानट है वो काफ़ी गैसियस है और लिक्विड इनमें जो है होता है वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई नेक्स्ट ओनली टू द सन एंड द मून पीनस जो होता है वो काफ़ी ब्राइटेस्ट होता है उसमें काफ़ी चमक होती है और इसका नंबर जो है सन और मून के बाद में थर्ड नंबर पर जो है इसकी शाइन का नंबर आता है मार्स हैज़ ए रेडिश अपियरेंस मार्स में क्या होती है एक रेडिश अपियरेंस होती है रेड कलर का होता है रेफर्ड टू एज द रेड प्लानट इसको हम रेड प्लानट भी भूल सकते हैं उसके बाद जो हमारा आता है सेटन सेटन हैज मैनी रिंग्स अराउंड इन द देयर आर मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इस सैटन की चारों तरफ बहुत सारी रिंग्स होती हैं ठीक है ठीके? और और वो किससे बना होता है डस्ट पार्टिकल्स उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स होती हैं आइस होता है रीसेंट स्टडीज अभी हाल ही में हुई स्टडीज़ uh, के uh, अगर हम बात करें हैव शोन दैट जुपिटर यूनस एंड नेपट्टून आल्सो हैव रिंग्स ये पता चला है कि जुपिटर यूनस और नेपट्टून में भी बहुत सारी रिंग्स होती हैं उनके पास भी जो है रिंग्स होती हैं विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ जो कि अर्थ से दिखाई हमको नहीं दे सकती हैं द प्लैनेट जो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट द प्लैनेट में जो है टू टाइप्स का मूवमेंट uh, होता है एक तो रोटेशन होता है एक रिवॉल्यूशन होता है अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन में जो है क्या डिफरेंस होता है वो हम पढ़ते हैं देखो रोटेशन जो होता है रोटेशन रिजेंबल्स द स्पिनिंग ऑफ इट टॉप ऑल द प्लान स्पिन ऑन देयर एक्सिस अगर रोटेशन uh, का मतलब क्या होता है जो अपनी जगह पे रहकर अपनी ही जगह पे रह कर मूव कर रहा हो गोल गोल घूम रहा हो ठीक है विच इज एन इमेजनरिंग लाइन कटिंग दो देयर सेंटर्स एक्सेप्ट फ्रॉम यूरेनस वीनस ऑल अदर प्लान रोटेट इन देयर एंटी क्लॉग वाइज डायरेक्शन अब क्या होता है uh, अगर हम बात करें यूरेनस और वीनस को छोड़ दीजिए यूरेनस और वीनस जो है वो घूमते नहीं हैं अपनी जगह पर ठीक है लेकिन बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपनी जगह पे ही अपनी जगह पे ही रहकर एक एंटी क्लॉक वाइज जिस साइड में क्लॉक चलती है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये सारे घूमते हैं अब रिवॉल्यूशन क्या होता है वैन ए प्लानट मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ अब देखो क्या होता है अगर आ, कोई भी प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है ठीक है उसे रिवॉल्यूशन बोलेंगे ठीक है तो प्लैनेट क्या करते हैं अपनी जगह पे घूमते 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 उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है ठीक है घूमते घूमते क्या करते हैं वो सन के भी चक्कर लगा लेते हैं खुद की जगह पे तो घूम ही रहे हैं उसके अलावा सन के भी चक्कर लगा रहे हैं तो खुद की जगह पर घूमने को तो हम क्या बोलेंगे रोटेशन और जो खुद की जगह पर घूमते घूमते जो है सन के चक्कर लगा रहे हैं उसको हम बोलेंगे रिवॉल्यूशन ठीक है तो दोनों चीजें समझ में आ गई आपको ट हैज इट्स ओन पाथ इन स्पेस विच इज कॉल्ड ऑर्बिट हर प्लेनेट का जो है अपना एक अलग पाथ होता है अलग रास्ता होता है ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं ऑर्बिट इट इज शेप्ड लाइक एन और डिट इट सर्कल इनका एक जिसे हम मतलब एक सर्कल जैसा होता है ठीक है दस ऑल द ऑर्बिट्स आर डिफरेंट इसलिए जितने सारे ऑर्बिट्स मतलब सारे रास्ते जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एंड द प्लैनेट्स डो नॉट कोलाइड और इसलिए जो प्लैनेट्स होते हैं ना एक दूसरे से टकराते नहीं हैं दे आर हेल्ड इन प्लेस बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सब लोग अपनी अपनी जगह पर रहते हैं किसकी वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है उसकी वजह से ऑफ द सन एंड अदर प्लानट बाकी सारे जो प्लानट सन और बाकी सारे प्लानट जो हैं अपनी अपनी जगह पे ही रहते हैं ग्रेविटी की वजह से मरकरी हैज़ द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट मरकरी जो है सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट है क्योंकि वो जो प्लानट ही वो सबसे शॉर्टेस्ट है एंड नेपट्टून हैज़ द लॉन्गेस्ट और नेपट्टून का जो है सबसे लंबा है क्योंकि मरकरी जो है अगर आप इस पिक्चर में देखोगे देखो अगर मरकरी जो है वो सन के सबसे पास में है तो इसका ऑर्बिट जो होगा वो भी छोटा होगा रास्ता भी छोटा होगा ठीक है और अगर नेपट्ट्यून सबसे दूर है तो इसका जो रास्ता भी होगा क्योंकि ये पूरा जो डायमीटर है ना वो कवर करके आएगा तो इसका रास्ता भी क्या होगा बड़ा होगा ठीक है और प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन सारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही घूमते हैं मतलब क्लॉक की जो डायरेक्शन में क्लॉक चलती है ना उसके अपोजिट साइड में जो है वो चलते हैं ठीक है उसके बाद में हम बात करते हैं अर्थ की ठीक है जहाँ पे हम लोग रहते हैं अर्थ है यूनिक प्लानट अर्थ बहुत ही यूनिक बहुत ही अद्भुत जो है प्लानट हो ठीक है थीके? इन द सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम में अब अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लान टू द सन हमारे अर्थ सोलर सिस्टम में जो अर्थ है ना वो थर्ड नंबर पे आता है जो कि सन के सबसे ज्यादा पास में है मतलब थर्ड नंबर पे आता है जो कि सन के ज्यादा सबसे, सबसे पास होता है इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ये आ, आ, जो साइज में जो है ये फिफ्थ नंबर पे आता है कि फिफ्थ ये लार्जेस्ट प्लैनेट है इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन एट इसका जो ऑर्बिट होता है सन के अराउंड वो कितना होता है ऑलमोस्ट उसका जो मतलब रास्ता होता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है वन जीरो सेवन टू टू जीरो किलोमीटर पर आर पर आर की इस, इस वाली डायरेक्शन से जो है इस वाली स्पीड से जो वो है घूमता है एंड मेक्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड अराउंड द सन इन थ्री सिक्सटी फाइव डेज और आ, जो सन के चारों तरफ जो एक जो राउंड करता है कंप्लीट वो कितने दिनों में करता है थ्री सिक्सटी फाइव डेज में जो है एक सन के एक राउंड कर पाता है ये थ्री सिक्सटी फाइव डेज फाइव आवर्स फोर्टी एट मिनट्स एंड द फोर्टी फाइव पॉइंट फिफ्टी वन सेकेंड्स ठीक है तो इतना जो टाइम है इसे लगता है तो आप इसको ना थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे और इसको याद रखेंगे इट रोटेट्स ऑन इट्स एग्जिस्ट ठीक है ये अपने एक्सेस पे भी जो है घूमता है जैसे अभी मैंने बात की कि ये अपनी जगह पे जो घूमता है उसको रोटेट बोलते हैं और रिवॉल्व करने को क्या बोलते हैं जो सन के अराउंड घूमता है ठीक है तो ये अपने एक्सेस पे भी घूमता है उसमें इसको कितना टाइम लगता है ट्वेंटी थ्री आवर्स फिफ्टी सिक्स मिनट्स एंड फोर पॉइंट जीरो नाइन वन सेकेंड्स तो इसका मतलब जो दिन रात होते हैं ना तो वो कब कैसक्यूम होते हैं क्योंकि वो तो उसके रोटेशन की वजह से होते हैं कि ना सन जो अर्थ है ना अपनी जगह पर घूम रही है ठीक है और जो पूरा ईयर जो कंप्लीट होता है ना वो किसके बेसिस पे होता है कि उसने सन को आ, जो है एक राउंड किया कंप्लीट किया है ठीक है द अर्थ इज नॉट अ ट्रू स्पेयर बट इट इज अ बिट ऑफ ऑरेंज शेप स्लाइटली फ्लैटेड एट द टू पोल्स जो अर्थ है ना वो थोड़ा ऑरेंज शेप्ड होता है ऑरेंज uh, जैसा होता है स्लाइटली फ्लैटेड और ये थोड़ा सा फ्लैटेड होता है इसके टू पोल्स होते हैं वो फ्लैटेड होते हैं इट इज द ओनली नोन प्लान विथ एम्पल वाटर एंड एयर अराउंड और ये अकेला प्लानट है जहाँ पर जो है पानी और एयर जो है मिलती है द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज ऑल्सो सूटेड फॉर टू सपोर्टिंग लाइफ और जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी लाइफ के लिए काफ़ी सूटेड है ठीक है मतलब ठीक है लाइफ उसमें एक्जिस्ट कर सकती है द फॉलोइंग आर द कंडीशन विच फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और जो हमारे जो हम जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो बताते हैं कि इसकी वजह से जो है हमारी अर्थ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है ठीक है तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मॉडरेट टेम्परेचर बीइंग द थर्ड प्लैनेट जैसे कि थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन सन से जो है वो थर्ड नंबर पे ये प्लैनेट है द अर्थ इन्जॉयस ए मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर फिफ्टीन पॉइंट फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस विच इज़ ना इधर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड एज कम्पेयर टू मरकरियन वीनस देखो ये जो सन जो 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 अर्थ पे है वो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस होता है जो कि ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है ठीक है मर्करी और वीनस से कंपेरिजन में विच आर टू हॉट जो कि uh, कुछ तो है काफ़ी टू बहुत ज्यादा हॉट होते हैं बहुत ज्यादा गर्म होते हैं एंड ड्यूरेसन नेपट्ट्यून विच आर टू कोल्ड और ये दोनों जो है काफी ठंडे होते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन रिक्वायर्स वाटर इन लिक्विड फॉर्म फॉर सस्टेंसिस जो प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं ह्यूमन uh, जो होते हैं उन्हें पानी की जरूरत होती है लिक्विड की ठीक है और बाकी जीने के लिए सस्टेंस मतलब सर्वाइवल के लिए ठीक है विच इज फाउंड इन अबंडेंस ऑन द अर्थ जो कि इन बहुत ज्यादा यहाँ पे अबांडेंस मतलब बहुत ग्रेट अमाउंट में बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है पे अर्थ पे अवेलेबल है फेवरेबल एटमोसफेयर द अर्थ इज द ओनली प्लानट विच इज द सराउंडेड बाई लेर ऑफ गैसेज सुटेबल फॉर ब्रेदिंग और जो अर्थ ही एक अकेला प्लानट है जिसको जिसके चारों तरफ जो है बहुत सारी गैसेज की जो है लेयर है जो कि सुटेबल है सांस लेने के लिए ब्रेदिंग के लिए दिस लेयर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड द एटमोसफेयर इसी गैसेज uh, की लेयर को हम क्या बोलते हैं एटमोस्फेयर जो है बोलते हैं इट कंटेन्स द राइट मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन इसमें ना जो है uh, प्रॉपर जो अमाउंट में है जो सारी गैसेस है जैसे ऑक्सीजन एक प्रॉपर अमाउंट में है कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो गैसेस वो भी ठीक है